दो बातें, जब तुम किसी लड़के को बोलती हो आई विश आई कुड गेट समवन लाइक यू, डू यू गर्ल्स इवन रियली मीन इट? हाँ, और अगर वही एग्जैक्ट सेम बंदा इस बात को एज अ हिंट लेकर तुम्हें प्रपोज कर दे तो क्या जवाब होता है तुम्हारा? दैट इज सो स्वीट, आई एम ग्लैड, बट यू डिजर्व समवन बेटर. इससे ना दो बातें साफ होती है कि बंदे की अच्छी कट भी रही है और उसका अच्छा कट भी रहा है. हाँ नहीं तो, अरे कहना क्या चाहती हो इस बात से यार, मतलब क्या है शर्लक होम्स को बुलाने? दक्ष, मैं पूर्णिमा की पार्टी पे क्या पहनूं? ये पहन तो रखा है, ठीक तो है, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ. ठीक, ये रुक, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, मैं दिखाती हूँ. ये देख यार, मतलब इतने कपड़े होते हैं ना तुम्हारे पास कि तुम लड़कियों की अगर जब डेथ होगी ना तुम इनकी भी वसीयत बना के जाओगी. हाँ नहीं तो 400 करोड़ कपड़े तुम्हारे कबड़ में सड़ रहे होंगे बट तुम्हारे पास हर बार एक ही एक्सक्यूज होता है, यार मेरे पास पहनने को ही कुछ नहीं. अभी कभी हम लड़कों का सोचा है? सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं ऊपर भी और दो ही ऑप्शन होते हैं नीचे भी, टी शर्ट या शर्ट, जीन्स या ट्राउजर. हाँ नहीं तो, अरे इतने पैसे उड़ाते हो शॉपिंग पे, हर वीकेंड पे तुम्हें शॉपिंग करनी है. मतलब हमारे जैसा बंदा ना पॉश कॉलोनी में 2 BHK फ्लैट ले ले और उसके बाद भी आइसक्रीम खाने के पैसे बच जाए. और एक सवाल भैया, तुम लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हो, क्या जरूरत है? समझ में नहीं आता लॉजिक. चलो ठीक है, तुम बेसिक कुछ कर रही हो, टचअप वचअप मस्कारा शस्कारा जो भी तुम्हारा होता है ठीक है, पर ऐसे मतलब मुंह को वॉल पुट्टी बना दी तुमने. अरे एक बार की बात है, मेरी एग्जर्सिंग मेरे घर आई तो उसको देख के मुझे लगा वाह मोहल्ले की शकीरा आई है, और जब जुल्फे हटा के मैंने प्यार से उसके गालों पे हाथ फेरा तो पता लगा मोहल्ले की फकीर आई है. मतलब फोटो का रेजोल्यूशन अल्ट्रा HD से आधार कार्ड वाला हो गया था, माफ कसम, और इतनी डर लगा तो मैं तो अपना घर छोड़ के भाग गया था. हाँ बेबी, क्या हुआ बेबी? नहीं, अरे रिया मेरी नॉर्मल कलीग है. हाँ, अरे हम एक साथ ऑफिस में हैं और उसने ग्रुप फोटो में मेरे साथ पे खड़ी है, तो क्या प्रॉब्लम है बेबी? अरे बेबी ऐसी बात नहीं है बेबी, बेबी बेबी. एक और क्वेश्चन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया का हर लड़का एक जैसा होता है, चीप, चालाक, चतुर और चीट? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उसकी जो नॉर्मल कलीग है वो एक्चुअली उसकी नॉर्मल कलीग हो बजाय ऐसे कि वो उसकी स्पेशल कलीग हो? क्योंकि एक्चुअली लाइफ में यही होता है कि जो आपकी नॉर्मल कलीग होती है वो आपकी नॉर्मल कलीग होती है इंस्टेड ऑफ इसके कि वो आपकी स्पेशल कलीग हो. भाई पानी लो. ले आ. थैंक यू भाई, मैं तो आज ही लग रहा हूँ, तुम तो हमेशा लगते हो. तू भी यार. देखा, अगर यही बात लड़कियों में होती ना तो तुम्हारा कंपेटिटिवनेस ना बीच में आ जाता. मतलब अगर तुम इतने जेलस हो जाते हो, अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे अच्छी लगे ना तुम उसकी नुक्स निकालने लग जाते हो, कभी लिपस्टिक में नुक्स, कभी ड्रेस में नुक्स, कभी जूते में नुक्स. मतलब हम लड़कों को देखा कभी बॉन्डिंग से रहते हैं, अगर हम मैचिंग मैचिंग कपड़े भी पहने तो हम ब्रो हो जाते हैं ब्रो. यार वो स्कूल वाली शिवानी है ना जिसको तो पसंद करता था. हाँ यार. हाँ? अरे यार कल पता पड़ा कि वो भी मुझे लाइक करती थी. तो बात क्यों नहीं आगे बढ़ी? यार उसका कहना है कि मैंने पहला मूव नहीं लिया. आई शुड टेक एन इनिशिएटिव. यार तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ में आती कि हर बार लड़का फर्स्ट स्टेप क्यों ले? मतलब मुझे इतना बता दो, ये सृष्टि, संसार, जग और पूरी की पूरी पुरुष प्रजाति ना तुमसे ये सवाल का जवाब मांगती है, ठीक है ना? मतलब कौन से भगवान ने तुम्हें नीचे आके बोला है कि लड़की पहला स्टेप नहीं लेगी, या कौन से वेद पुराण में ऐसा लिखा? अरे कभी सुना है किसी लड़की ने किसी लड़के को अप्रोच किया हो और चाहे वो जितना भी ऑफेंड हुआ हो ना यार, उसने कभी उसे थप्पड़ मारा हो या मॉब से पिटवा दिया हो? हाँ नहीं सुना ना? पर लड़कों के केस में ये चांस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और अगर तुम कभी अप्रोच कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? ईगो हट हो जाएगी क्या? हाँ बेबी, बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे क्या मतलब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हूँ ही तुम्हारे पास, पर बताओ ना. अच्छा ठीक है. यार तुम एक बार में क्यों नहीं बता देती कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? बार बार बॉयफ्रेंड की गर्दन हलाल करनी जरूरी है? कसम से बता रहा हूँ, लिख के ले लो, अगर डिप्लोमेसी के कोचिंग सेंटर खुले होते ना तो सारे के सारे में ना लड़कियाँ कोचिंग दे रही होती. हाँ नहीं तो कभी पूछ लो क्या गिफ्ट चाहिए तो एकदम महंगा जैसा मुंह बना के बोलने सरप्राइज. यार बेबी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम हो ना मेरे पास, सब कुछ है. और अगर बंदा खुद से इनिशिएटिव लेकिन को गिफ्ट दे भी देना तो ऐसा सस्ता मुंह बनाएंगे और शौक वाला एक्सप्रेशन देंगे ये मांगा था? अरे तो भैया बता दिया करो ना सीधा सीधा क्या चाहिए. क्या होगा, ईगो हर्ट हो जाएगी तुम्हारी, क्यों नहीं बताती हो? तो ये तो थी कुछ बातें जो लड़के लड़कियों से पूछना तो चाहते हैं पर थोड़ा घबराते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें. फोटो का रेजोल्यूशन शकीरा से, फोटो का रेजोल्यूशन ठीक है ये क्या दिया है, सस्ता सा शौक यार, नहीं सॉरी कट, सस्ता सा शौक स्कूल वाली कर रहा था ना मैं.